अभी कुछ दिनों पहले फिल्म मेकर करण जौहर ने यह अनाउंस किया कि वो चित्तूर शंकरन नायर जी के जीवन पर आधारित एक मूवी बनाएंगे। चित्तूर शंकरन नायर जी मद्रास हाईकोर्ट के जज और लॉयर रह चुके हैं, लेकिन वो जाने जाते हैं इंग्लैंड की अदालत में लड़ी गई एक लड़ाई के लिए। माइकल ओडवायर, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे, उन्होंने शंकरन नायर पर मानहानि का इल्ज़ाम लगाया था। 1922 में गांधी एंड अनार्की नाम की किताब शंकरन नायर ने लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने माइकल ओडवायर को जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुए सैकड़ों मौतों का जिम्मेदार बताया था। यह मुकदमा इंग्लैंड का सबसे लंबा चलने वाला सिविल मुकदमा, जो कि 5.5 हफ्तों तक चला था। यह केस तो शंकरन नायर जी हार गए, लेकिन इस केस की वजह से सारे भारतीयों को यह समझ आ चुका था कि ब्रिटिश माइकल ओडवायर जैसे अत्याचारियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। अब इस मुकदमे में जो कुछ भी हुआ वो सब तो आप मूवी में देख ही लेंगे, क्योंकि मूवी इसी मुकदमे पर बनने वाली है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो शंकरन नायर जी की महानता बताती है, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। 1897 में शंकरन नायर जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया था। वो तब तक के यंगेस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, और तो और वो अकेले मलयाली थे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। 1908 में उन्हें मद्रास हाईकोर्ट का जज बनाया गया। उन्होंने कई ऐसे फैसले सुनाए जो बहुत ही प्रगतिशील और दूरदर्शी थे, जैसे कि 1914 में उन्होंने ये फैसला सुनाया था कि जो लोग अपना धर्म बदल के हिंदू हुए हैं उन्हें बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। दूसरे फैसलों में उन्होंने अंतर जातीय और अंतर धर्मीय विवाह को भी सही ठहराया था। 1915 में उन्हें लॉर्ड कर्जन ने वाइसराय ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नियुक्त किया था, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के पश्चात उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और इतने बड़े पद को एक क्षण में ठुकरा दिया। लॉर्ड केम्सफोर्ड, जो कि उस वक्त के वाइसराय ऑफ इंडिया थे, उन्होंने इस्तीफा स्वीकार किया और नायर जी से पूछा कि क्या आप इस पद के लिए किसी और का सुझाव दे सकते हैं। भारतीय चाहे किसी भी पद पे क्यों ना हो, अंग्रेजों ने हमेशा वही किया जो उनके लिए सही था। इस बात को समझते हुए शंकरन नायर जी ने यस कहकर उस रूम में खड़े एक चपरासी की ओर अपनी उंगली दिखाई। वाइसराय गुस्से से अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। तब नायर जी ने जवाब दिया, क्यों नहीं, वो लंबा है, दिखने में हैंडसम है, और तो और कपड़े भी अच्छी तरह से पहनता है, और सबसे जरूरी बात, आप कुछ भी कहो वो हमेशा आपकी हाँ में हाँ भरेगा, तो है ना ये काउंसिल के लिए सबसे लायक मेंबर। वाइसराय ये जवाब सुनकर दंग रह गए थे। इस इस्तीफे का असर इतना था कि इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को पंजाब से मार्शल लॉ हटाना पड़ा था। उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया था क्योंकि वो ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं हो सकते थे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड को मंजूरी दे सकती है। अब आप सोचोगे कि ऐसी सरकार का हिस्सा वो हुए ही क्यों थे। वो इसलिए क्योंकि जब तक ब्रिटिश इंडिया में है तब तक भारतीयों का कुछ भला करने के लिए गवर्नमेंट का पार्ट होना जरूरी था, और उन्होंने ये करके दिखाया भी। 1919 को ब्रिटिशों द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था। उस एक्ट को नायर जी ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर होने के नाते जितना हो सकता था उतना बेहतर बनाया था। केरला के इस महान भारतीय की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।